आप लोगों को बहुत ही जल्दी हमारे घर के जोड़े वाले कबूतरों का शौक करने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। जो पट्टे में बेच रहा हूँ उनके माँ बाप भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को शौक करने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो पट्टे वाली देखिए और इसमें सब हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोचर कबूतर लखनऊ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ कुछ कबूतर सेल करने के लिए, जो कि मेरे ही घर से हैं। तो ये कबूतर मैं सारे हटाऊंगा एक साथ में, तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले तो ढाबली में लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कबूतर है, और उसके बाद फिर बाहर निकाल कर दाना खाते हुए दिखलाऊंगा। और वीडियो किसी चीज़ में बनाकर रखने वाली जगह नहीं है, इसलिए ऐसे ही दिखाऊंगा। कबूतर जो भी है माशाल्लाह अच्छे हैं। अगर ट्रस्ट करते हो हमारे ऊपर तो कबूतर आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, क्योंकि ये कबूतर ऐसे नहीं है कि अगर हम बेच रहे हैं या सस्ते बेच रहे हैं। पैसे मैं आगे बताऊंगा, सस्ते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने में शायद कोई नहीं देगा। तो अगर मैं इनको बेच रहा हूँ तो ये मेरी कोई मजबूरी की वजह से है, क्योंकि मुझे शौक अलग हुआ है। कुछ पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता हो ही गया है असील मुर्गों का शौक हो चुका है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और कबूतरों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सारे कबूतर में कम कर दूं, जो मेरे घर के पसंदीदा कबूतर हैं, जैसे कि एक दो जोड़े हैं अम्मी के पसंदीदा, उनको रखूंगा, बाकी सब सेल कर दूंगा। तो आपको दिखाता हूं चल के, और मेरा शौक तो आपको पता है, बस वो देखिए जो आपको सेल करने के लिए मिलने हैं, फिर पैसे भी बताऊंगा कबूतर को दिखाते हुए, ठीक है। तो चलो ढाबली में चलते हैं। तो ये रही हमारी ढाबली, ठीक है, और हम इसको खोल देते हैं। भागना नहीं। तो देखिए सबसे पहले एक ये कबूतर देखिए, स्लेटी अंबरसरा, जो जौनपुर में आयान भाई हैं उनके पास में मादा बॉर्डर वाली और स्लेटी अंबरसरा गया, उसका ये पट्ठा है, ठीक है। गिनती करते रहिएगा आप लोग, एक हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये आप लोग देखिए, जर्ची आंख में मादा है, बहुत अच्छी उड़ती है। देखिए जर्ची आंख में मादा है, बहुत अच्छी उड़ती है, ठीक है। उसके पीछे वो लाल गर्दन का हमारा सेरा कबूतर जो है उसका पट्ठा है, मकों आंख में लाल गर्दन का। ये देखिए मस्ती करने लगा, ठीक है। ये तीन कबूतर हो गए, चौथा कबूतर आप ये देखिए, चौथा कबूतर ये देख लीजिए आप लोग, मकों आंख में है, फुलसरा मको, ठीक है। उसके पास में ये है काली चोंच का कलपरा कबूतर, ठीक है, देख रहे होंगे। ये नर कबूतर है, ये काली चोंच वाली मादा है, ठीक है। ये इसका जोड़ा लग गया है, लेकिन अभी ये पट्ठे है कोई कोई आठ कली सात कली के। ये एक जंगली हमारा आ गया था पता नहीं कहाँ से, तो ये अब हमारे ही घर पे रहने लगे, इसका नजला हो गया है, तो इसकी दवाई करना है मुझे, ठीक है। उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं ये मादा, ये सहारनपुरी, और हमारा ये कलसिरा, इसका क्रॉस बच्चा है, सहारनपुरी मादा थी और क्रॉस बच्चा था, ये उसकी मादा है। और ये देखिए मको आंख में ये भी है, ये हमारे पास जो स्लेटी अंबरसरा है उसका जो पट्ठा निकला है ये, ठीक है। और एक वो रखा है, वो हमारे गर्रा का है, इलाहाबादी मादा और गर्रा कबूतर जो था सेरा, उसका पट्ठा है ये, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास में जो सोल्जर नस्ल है उसकी मादा से ये बच्चा निकला है, किसी एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, वो नर बेच दिया है, और उसका अगर फोटो अलग से मिल गया तो मैं दिखा दूंगा, उसका ये बच्चा निकला, माशाल्लाह अच्छा उड़ता है ये भी। और ये हमारे पास कलपुरिया सिंदूरी जो था उसका पट्ठा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो चैंपियन थी, चैंपियन सोल्जर, उसकी बहन है ये, और ये देखो नीचे चला गया। बाकी हम बाहर दिखाते हैं चल के, यहाँ पर भाग बहुत रहे हैं, ठीक है। सारे कबूतर एक्टिव हैं, ये हमारा सोल्जर अब तो डरने लगा है सोल्जर हमारा, अभी भी थोड़ा जानता है ये। देखो तो आप लोगों को हम सारे कबूतर बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं जो कबूतर बिकने हैं, ठीक है। ये टोटल कबूतर 16 हैं, और 16 कबूतर को अभी हम दिखाते हैं अच्छे से, पहले थोड़ा सा चलते फिरते देख लो, ठीक है। ये देखो 16 कबूतर हैं टोटल ये बिक्री के, पहले दाना डाल देते हैं फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। खड़ान वगैरह देख सकते हो आप लोग, ये देखिए भाई टोटल 16 कबूतर हैं। अगर कोई 16 कबूतर एक साथ में लेता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए के ये मिल जाएंगे,
16 कबूतर 2000 रुपए के सारे मिल जाएंगे। एक दो अगर कोई मांगेगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। सारे कबूतर एक साथ में ही देने हैं, 2000 रुपए के 16 कबूतर फिक्स दाम है ये, कोई कम ज़्यादा वाला नहीं है। इसमें आपको बहुत अच्छी नस्लों के कबूतर मिल जाएंगे, बस मैंने कह दिया जो शौक अलग है तो फिर इनको रखने का कोई वो नहीं है इस वजह से। बाकी आप लोगों को पता है कि चीज़ जो भी हम रख रहे हैं वो अच्छी चीज़ रख रहे हैं, देसी कबूतर अपने हैं, देसी कबूतर की आप डिमांड जानते थे आज से कुछ दिन पहले कितनी ज़्यादा थी। अभी भी लोग देसी कबूतर उड़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ डिमांड और चल रही है कि वो रामपुरी बॉर्डर वाले और सहारनपुरी उड़ा रहे हैं। बाकी आपको कबूतर सब अच्छे मिलेंगे। इसमें शेरा जो हमारा कबूतर फेमस था उसका बहुत अच्छा, इसमें दो बच्चे हैं और सोल्जर के ख़ानदान से एक बच्चा है इसमें, और चैम्पियन के दो भाई बहन हैं, और इसमें एक कल्परे का है, सिलेटी अंबर सरे का, और 35 वाली का क्रॉस है, वो देखिए लाल अंबर सरे का, वो देखिए सिंदूरी। बहुत अच्छे अच्छे पट्टे हैं इसमें, आप लोग देख सकते हो टोटल 16 पट्टे हैं, और इनमें 16 पट्टे आपको 2000 रुपए के दे दिए जाएंगे। बाकी आपको अगर सारे कबूतर चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको ये डिलीवरी भी मिल जाएंगे। बाकी एक दो कबूतर के लिए कॉन्टेक्ट मत करिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि भाई हमें पैसे तो कमाने नहीं है। पैसे कमाने होते तो मैं जोड़ा जोड़ा करके इसमें बनाकर दिखा देता, 500-600 रुपए का जोड़ा दिखाते, आप लोग आराम से 400-500 रुपए का जोड़ा ले लेते, लेकिन मुझे हटाने हैं इसलिए मैंने 100 रुपए से कुछ ज़्यादा रखा है, क्योंकि इसमें कुछ कबूतर ऐसे हैं जो अकेले रखते हैं कीमत 500 रुपए की। और सहारनपुरी की क्रॉस मादा देख रहे हो, बहुत अच्छी माशाल्लाह उड़ने में है। तो जो भी है मतलब मैंने बता दिया खुल के, आप लोग बात ज़रूर करिए एक बार डिलीवरी वगैरह के लिए, और 2000 रुपए के ये सारे कबूतर मिल जाएंगे, 16 कबूतर हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर हमारा सेकंड चैनल अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है सोल्जर कबूतर लखनऊ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं उस पर जो डिलीवरी वाली वीडियो डालता हूँ कि ये कबूतर कहाँ पर बिके या और भी कबूतर कहाँ से मैं लाने वाला हूँ, तो उस पर अपडेट कर देता हूँ। बाकी मेरा सोल्जर कबूतर 09 करके एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर मैं भी थोड़ी बहुत अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका छोटा भाई फैज़ल खान, दुआओं में ज़रूर याद रखना।